हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज. दिस इज़ राखी द्विवेदी. और अपने जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के हिस्ट्री ऑप्शनल वीडियो सीरीज़ के तहत आज हमारा थर्ड लेक्चर सीरीज़ है. और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के और भी रिसोर्सेज का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप उसका टेलीग्राम और पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. तो चलिए देखते हैं अपना थर्ड लेक्चर. जैसा कि मैंने बताया था कि थर्ड लेक्चर जो होगा वो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और मेगालिथिक एज पर होगा. तो सबसे पहले बता दूं कि नवपाषाण काल या नियोलिथिक एज में जाकर एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ था, तो इसलिए आज का हमारा टॉपिक है नवपाषाण काल या नियोलिथिक एज. अब नियोलिथिक एज के बारे में, इसका विकास कब हुआ ये मैं बताना चाहूँगी. 5500 BC से लेके 3000 BC के बीच में जो काल है उसको नवपाषाण काल बोलते हैं, और इसकी अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, इस कारण इसको नवपाषाण काल बोला जाता है. तो देखते हैं कि वातावरण जो इस टाइम है वो वातावरण में चेंज दिखाई देता है, क्योंकि ये टाइम भी हेलोसीन फेज का है, तो कंपेटिवली अनुकूल वातावरण है, मतलब फेवरेबल इन्वायरमेंट है. और फिर इस टाइम के टूल्स में भी, जो औजार हैं उनमें भी चेंज दिखाई देता है, जैसे कि खुरपी, कुदाल, हसिया, फावड़ा, वसूला, सुआ, मतलब हैंड एक्सेस, क्लेवर, इन सब का यूज़ हो रहा था टूल्स के तौर पे, औजार के तौर पे. और इस टाइम में कुछ नई टेक्नोलॉजी, औजार की जो टेक्नोलॉजी है उसका भी यूज़ देखने को मिलता है, जैसे कि चिपिंग टेक, ग्राइंडिंग टेक, पॉलिशिंग टेक. तो जो औजार की प्रौद्योगिकी है उसमें भी कुछ नई टेक्नोलॉजी डेवलप होती है. एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी कि जो औजार और औजार प्रौद्योगिकी है उसमें जो पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल की जो टेक्नोलॉजी थी वो भी यूज़ हो रही थी, ऐसा नहीं था कि उनका यूज़ ख़त्म हो गया था. लेकिन ये कुछ नई टेक्नोलॉजी और टूल्स हैं जो इस टाइम में डेवलप हुए थे, और पिछली जो टेक्नोलॉजी थी उनका भी यूज़ हो रहा था साथ साथ. अब हम देखते हैं रॉ मटेरियल्स, कच्ची सामग्री. कच्ची सामग्री का जो यूज़ है वो भी जो पहले से होता आ रहा था वो होता रहा, लेकिन उसके अलावा भी कुछ नवीन जो नए पत्थर हैं उनका यूज़ शुरू हुआ, जैसे कि रब्ड एंड जो चमकदार टाइप के पत्थर हैं, टंकित घर्षित चमकदार पत्थर, उनका यूज़ शुरू हुआ इस टाइम में रॉ मटेरियल के तौर पर. तो कच्ची सामग्री में भी कुछ नए इनोवेशन हुए. आगे हम देखते हैं एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नवपाषाण काल में ही पहली बार मतलब कृषि स्टार्ट हुई थी, तो इस टाइम में जो मनुष्य है वो मतलब उत्पादक बन गया था, और इस टाइम में उसने मतलब कृषि करना शुरू कर दिया था और अलग अलग जगहों से कृषि के साक्ष्य मिले हैं. तो इंटरनेशनल लेवल पे जो है उत्तर अफ्रीका और पश्चिमी एशिया से कृषि के साक्ष्य मिले हैं. उत्तर अफ्रीका में नील नदी घाटी क्षेत्र से मिले हैं कृषि के साक्ष्य, जो कि 9000 BC के हैं. 9000 BC में यहाँ गेहूं और जौ की खेती प्रारंभ हुई थी, तो उसके साक्ष्य मिले हैं उत्तर अफ्रीका से. और फिर पश्चिम एशिया में भी कृषि के साक्ष्य मिले हैं. यहाँ दजला फुरात नदी घाटी क्षेत्र से कृषि के साक्ष्य मिले हैं, जो कि 8500 BC के हैं, और यहाँ भी गेहूँ और जौ की खेती के साक्ष्य मिले हैं. तो इस टाइम पे कृषि के साक्ष्य इंटरनेशनल लेवल पर भी मिलते हैं. फिर देखते हैं भारत में. भारत में दो फेज़ दिखाई देते हैं जो भी एग्रीकल्चर है उसके. फर्स्ट फेज़ में जो है हमें दिखाई देते हैं इलाहाबाद के कोलडिहवा से कृषि के साक्ष्य मिले हैं. कोलडिहवा धान की खेती का, चावल की खेती का प्रथम साक्ष्य प्रस्तुत करता है, ये इलाहाबाद में है. और यहाँ से झोपड़ी और घर बनाने के भी साक्ष्य मिलते हैं. तो इस टाइम पे हमें देखने को मिलता है कि पहले पहले फेज़ में इलाहाबाद की कोलडिहवा से खेती के साक्ष्य मिलते हैं, और सेकंड फेज़ में फिर बेलन घाटी, मेहरगढ़ और बलूचिस्तान से साक्ष्य मिलते हैं कृषि के. यहाँ गेहूं और जौ की खेती होती थी, और इसके अलावा यहाँ पे मवेशी पालने के साक्ष्य मिले हैं, जो कि भैंस के साक्ष्य मिले हैं. तो इन सब जगहों पे कृषि के साक्ष्य मिले हैं इंडियन लेवल पे. अब जो ये इस काल की विशेषता यही है कि मनुष्य जो है वो शिकारी से उत्पादक बन गया, पशुपालक बन गया. तो जो UPSC का क्वेश्चन यहाँ पे बनता है वो ये है कि अलग अलग जो इंडिया के पार्ट हैं,
जैसे वेस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया, तो इन सब में जो संस्कृति का फॉर्म डेवलप हुआ उसमें क्या अंतर दिखता है बेसिकली, तो इसलिए क्वेश्चन के पैटर्न पे ही हम पूरा वीडियो देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम उस टाइम का जो समुदाय कहा जाता है वो चरवाहा और कृषक समुदाय, क्योंकि पशुपालक बन गया था तो उसको चराने के लिए ये यायावर प्रवृत्ति थी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमने की, और कृषि करते थे ये, तो इसलिए ये कम्युनिटी एक बन गई पास्टरल एंड एग्रीकल्चरल कम्युनिटी। और फिर हम देखते हैं अलग अलग पार्ट से क्या इनके बारे में साक्ष्य मिलते हैं। तो जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उसमें 5000 BC के लगभग जो है कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। और मेहरगढ़ जो एरिया है, यहाँ से विकसित गांव के, फलते फूलते गांव के साक्ष्य मिलते हैं 5000 BC के अराउंड। और यहाँ जो है लोग नदी के घाटी में बसते थे, बलूचिस्तान रीजन में, तो यहाँ से कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। और यहाँ के जो लोग हैं वो जिस घर में रहते थे वो मतलब धूप में पकाए हुए ईंट के बने हुए घरों में रहते थे। मैं आपको बताना चाहूँगी इस टाइम में जो लोग हैं वो जिस घर में रहते थे वो पके हुए ईंटों के घर में रहते थे, तो ये भी इस काल की विशेषता है ये। तो फिर हम देखते हैं आगे कि मेहरगढ़ में या फिर नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में ये लोग मतलब पाषाण के बने हुए उपकरण का यूज़ करते थे, और खेती में ये लोग गेहूं, कपास और जौ की खेती करते थे, और ये लोग बकरी और भेड़ को पालते थे। तो ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की विशेषताएं हैं। आगे हम देखते हैं कश्मीर वैली के बारे में, कश्मीर का जो क्षेत्र है, तो कश्मीर का जो क्षेत्र है वहाँ पे जो साक्ष्य दिखते हैं नवपाषाण काल के वो 2500 BC के अराउंड के हैं। और ये कश्मीर क्षेत्र में जो संस्कृति डेवलप हुई थी उसके जो कुछ मेन स्थल हैं वो है जैसे कि बुर्जहोम, गुफकरल। तो बुर्जहोम और गुफकरल से हमें साक्ष्य मिलते हैं परमानेंट सेटलमेंट के। और इसके अलावा यहाँ भी गेहूँ, जौ, चावल के साक्ष्य मिलते हैं, खेती के साक्ष्य। और यहाँ भी भेड़ और बकरियों को मतलब पालतू बनाया गया था। यहाँ भी पाषाण उपकरण मिलते हैं जो उनका यूज़ करते थे। और यहाँ पे मृदभांड का भी उपयोग मतलब निर्माण किया जाता था लोगों के द्वारा। और यहाँ एक और जो खास विशेषता देखने को मिलती है कश्मीर क्षेत्र की बुर्जहोम और गुफकरल की, वो ये है कि यहाँ लोग गर्त में रहते थे, मतलब अंडरग्राउंड लिविंग टाइप की चीज़ यहाँ देखने को मिलती है। और यहाँ एक और जो प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन बनता है, यहाँ मालिक के साथ साथ कुत्तों को भी साथ में, जो पालतू कुत्ते थे उनको भी साथ में दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये एक कश्मीर क्षेत्र में नवपाषाण काल की विशेषता दिखाई देती है। आगे हम देखते हैं पूर्वी भारत में क्या दिखाई देता है। पूर्वी भारत में जो साक्ष्य मिलते हैं वो 2000 BC के आसपास मिलते हैं नवपाषाण काल के। और यहाँ जो कुछ मेन स्थल हैं जैसे कि सेनुवार, चिरांद, चौपानी, मांडो, चेचर, ये इम्पोर्टेंट सेटलमेंट हैं, मतलब जहाँ लोग निवास करते थे, वास करते थे। और यहाँ भी जौ और चावल की खेती होती थी। इसके अलावा यहाँ पर चने और मटर की भी खेती होती थी। यहाँ पर पशुपालन में जो पशुओं को पालतू बनाया गया था उसमें मवेशी, कुत्ते, भेड़, ये सब का साक्ष्य मिलता है। और यहाँ पर पाषाण उपकरण का भी उपयोग होता था। और चिरांद से जो एक ख़ास बात देखने को मिलती है वो ये है कि यहाँ जो औजार लोग उपयोग करते थे वो एंटलर के सिंग से बना होता था। एंटलर हिरण की एक प्रजाति होती है, आपने सुना होगा, तो उसके सिंग से बने हुए औजार मिले हैं, तो चिरांद की एक बहुत खास विशेषता दिखाई देती है। आगे हम देखते हैं नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र में, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी क्षेत्र, यहाँ 2000 BC के आसपास नवपाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। और यहाँ के लोग बाजरा उपजाते थे, मतलब जौ उपजाते थे, सॉरी। और यहाँ लोग पशुपालन में भेड़ और बकरी पालते थे। इसके अलावा पाषाण उपकरण और मृदभांड का भी उपयोग यहाँ पर होता था। और यहाँ जो औजार मिले हैं उनमें एक जो खास बात दिखाई देती है कि उनमें जो एक्स है, कुल्हाड़ी है, उसमें तीट टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है,
नुकीले नुकीले दांत टाइप के स्ट्रक्चर बने हुए, तो ये एक अपने टाइप का इकलौता एग्जाम्पल है नॉर्थ ईस्ट इंडिया से, उत्तर पूर्वी क्षेत्र से। और डियोजली हेडिंग जो मेघालय का क्षेत्र है, मेघालय का एरिया है, मेघालय में एक स्थान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में नवपाषाण काल का। तो यहाँ से हमें साक्ष्य मिलते हैं नवपाषाण काल के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। आगे हम देखते हैं पेनिनसुलर इंडिया में। पेनिनसुलर इंडिया जो भी नीचे का दक्कन का पार्ट है, जो साउथ इंडिया का पार्ट है, वो पेनिनसुलर इंडिया में आता है। और यहाँ पर 2500 BC के आसपास साक्ष्य मिलते हैं नवपाषाण काल के। और यहाँ नागार्जुन कोंडा, आंध्र प्रदेश, पिकलीहल, आदि चन्नालूर, मास्की, कर्नाटक, ये सब जगह जो हैं साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं नवपाषाण काल का। और यहाँ पर मेनली गेहूँ, जौ, मटर, इन सब की खेती की जाती थी। और यहाँ जो एक खास बात दिखाई देती है कि यहाँ जो लोग हैं वो स्टार्टिंग में, अर्ली फेज में, यहाँ तीन फेज में लोगों के निवास दिखाई देते हैं। सबसे अर्ली फेज में ये लोग फुट हिल्स में रहते थे, और फिर ग्रेजुअली मतलब स्टार्टिंग में ऊपरी पार्ट पे पहाड़ों के फुट हिल्स में रहते थे, और धीरे धीरे इनका स्थानांतरण हुआ है, माइग्रेशन हुआ है प्लेन की तरफ, मैदानों की तरफ। तो ये एक पेनिनसुलर इंडिया की खासियत दिखाई देती है। और सेकेंड स्टेज में जो है ये कलर, रेड कलर पॉटरी का उपयोग करते हैं, जैसे कि फर्स्ट स्टेज में दिखाई देता है। ये फुट हिल्स में रहते हैं और निर्वाह कृषि करते हैं, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर करते हैं, पशुओं को पालतू बनाते हैं। लेकिन सेकेंड फेज को अलग करते हैं फिर, तो उसमें हमें दिखाई देता है ये रेड कलर पॉटरी या रेड वेयर यूज़ करते हैं, जैसा कि मैं आपको आगे के चैप्टर्स में बताऊंगी कि हड़प्पा सभ्यता का जो पॉटरी का कल्चर था वो BRW था, ब्लैक ब्लैक एंड रेड वेयर। तो यहाँ से भी कुछ साक्ष्य मिलने लग जाते हैं हड़प्पा सभ्यता के। तो सेकेंड फेज में रेड वेयर यूज़ करते थे। थर्ड फेज में वो अलग अलग टाइप के फूड ग्रेन्स, जो अनाज है, वो उपजाते थे। तो यहाँ तीन स्टेज मिलते हैं, तीन फेज मिलते हैं पेनिनसुलर इंडिया में। इसके अलावा यहाँ पर जो लोग, गेहूं का जो उपयोग होता था उसको क्रश करने के बाद उपयोग होता था। तो आप जैसे देख सकते हैं कैसे कैसे सिविलाइजेशन का विकास हुआ, कैसे कैसे लोगों ने रिसोर्सेज को यूज़ करना शुरू किया। तो यहाँ लोग गेहूं को क्रश करके यूज़ करते थे, और यहाँ भी मवेशी पाले जाते थे। तो यहाँ के इम्पोर्टेंट स्थल, जैसा कि मैंने आपको बताया, नागार्जुन कोंडा, जूना पानी महाराष्ट्र से, मास्की हल्लूर से, पिकलीहल कर्नाटक, आदि चेन्नालूर तमिलनाडु, ये सब साइट इम्पोर्टेंट साइट्स हैं। यहाँ गलत बोल दिया मैंने, आदि चेन्नालूर तमिलनाडु में है। तो ये सब इम्पोर्टेंट स्थल हैं जो भी हैं पेनिनसुलर इंडिया में। आगे हम देखते हैं वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया में जो साक्ष्य मिलते हैं वो 6 मिलेनियम BC के आसपास, मतलब 5000 से 6000 ईस्वी पूर्व के हमें साक्ष्य मिलते हैं पश्चिमी भारत से। और यहाँ जो है, जो खुदाई हुई है वो सांभर झील क्षेत्र के ड्राइड बेड में हुई है, जो नदी का जो क्षेत्र है, तल है, उसके ड्राइड जो सूख गए क्षेत्र हैं उससे खुदाई के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पर राजस्थान से जो है अलग अलग टाइप के अनाज मिले हैं, जैसे कि गेहूँ, चावल, मटर। और ऐसा लगता है जैसे कि ये जो अनाज हैं ये झील तक पहुँचे हैं रेन वाटर के साथ, मतलब नदी के या फिर बारिश के बहाव के साथ पहुँचे हैं, क्योंकि नियर बाय सेटलमेंट से ऐसा कुछ पता नहीं चलता है। तो इससे ये मालूम चलता है कि ये फूड ग्रेन जो हैं ये मतलब किसी आसपास के स्थल से यहाँ पर आ गए हैं, और उस हिसाब से इसका अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये 5000 से 6000 BC के आसपास का ड्वेलिंग रहा होगा। तो ये सारी जो है विशेषताएं दिखाई देती हैं नवपाषाण काल में अलग अलग स्थल में। तो इस बेसिस पे आप अलग कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हर जगह की विशेषताएं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ताम्रपाषाण काल, चालकोलिथिक एज। अब चालकोलिथिक एज जो है वो बिल्कुल हड़प्पा सभ्यता के पहले का टाइम है। तो यहाँ आपको काफ़ी कुछ विशेषताएं दिखने लग जाएंगी हड़प्पा सभ्यता की, और यहाँ तक कि कुछ जो साइट्स हैं जो ताम्रपाषाण काल की, वो साथ साथ भी चलती हैं हड़प्पा सभ्यता के, कुछ बाद भी चलती हैं और कुछ पहले ही चल के ख़त्म भी हो जाती हैं। तो इसमें आपको बहुत सारी विशेषताएं देखने को मिल जाएंगी चैल्कोलिथिक एज की।
तो सबसे बड़ी पहले बात तो ये कि 2800 BC के आसपास इसकी शुरुआत हुई थी चहल कुरैती केज की, और उसके बाद ये मेनली जो है तांबे का यूज़ इस टाइम स्टार्ट हुआ था, लोगों ने तांबा यूज़ करना शुरू कर दिया था। और क्योंकि जैसा कि पता ही है कि पाषाण उपकरण पहले से यूज़ हो रहे थे तो उनका भी उपयोग होता रहा, तो इन दोनों को मिक्स करके जो संस्कृति स्टार्ट हुई उसे चहल कुरैती केज बोलते हैं, ताम्र पाषाण काल। और एक और ख़ास बात है कि तांबा वो पहला मेटल है, धातु है, जिसे कि मनुष्य के द्वारा आविष्कार किया गया। तो धीरे धीरे इन्होंने इसका टूल के रूप में, औजार के रूप में यूज़ करना शुरू कर दिया, और फिर हमें देखने को मिलते हैं इन दोनों के मिक्सचर से, तांबा और पाषाण के मिक्सचर से अलग अलग टाइप के औजार, और इसी के बेसिस पे ये पूरी एक सिविलाइजेशन क्रिएट हो गई, ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण संस्कृति। तो आगे हम देखते हैं, अब ये जो पश्चिमी भारत में इसका उदय हुआ था ताम्र पाषाण संस्कृति का, जो कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का इलाका है, तो इस क्षेत्र में मेनली ताम्र पाषाण काल का उदय हुआ है। और फिर ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ईस्टर्न रीजन और दक्षिणी भारत से इसके साक्ष्य नहीं मिलते हैं, मेनली ये पश्चिमी भारत में दिखाई देता है, लेकिन इन बाकी जगहों में भी दिखाई देता है सिवाय दक्षिणी भारत और पूर्वी भारत के, क्योंकि केवल जो तांबा है वो केवल पश्चिमी भारत में पाया जाता था, तो जहाँ तक थोड़ा बहुत विस्तार हो पाया। जो राजस्थान की खेतरी खाने हैं, जो कि राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में है, वो इनके मेन सोर्स था, कॉपर का, तांबे का सोर्स था, जिससे कि ये संस्कृति डेवलप हुई थी। और ताम्रपाषाण संस्कृति के तहत जो अलग अलग काल के तहत जो अलग अलग संस्कृतियाँ विकसित हुई थी वो है कायथा संस्कृति, आहार संस्कृति, मालवा संस्कृति, जोड़वे संस्कृति, सावलता संस्कृति, रंगपुर संस्कृति, प्रभास संस्कृति। तो ये ताम्रपाषाण काल के तहत अलग अलग संस्कृतियाँ विकसित हुई थी। अब मैं आपको बताना चाहूँगी इन सब संस्कृतियों के बारे में, थोड़ा बहुत जान लेना ज़रूरी होता है, बहुत बार मेंशन करना होता है या फिर आप उसको कोट कर सकते हैं। कायथा संस्कृति जो है वो 2200 से 2000 BC के आसपास उत्पन्न हुई थी, और ये काली सिंध नदी जो मध्य प्रदेश में है उसके घाटी में विकसित हुई थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है ताम्रपाषाण काल का। आहार संस्कृति जो है वो राजस्थान के बनास नदी के घाटी में उत्पन्न हुई थी 2000 BC से 1500 BC के आसपास, और आहार, गिलुंद, गणेश्वर, ये इसके इम्पोर्टेंट साइट हैं आहार संस्कृति के। अब मालवा संस्कृति जो है, मालवा संस्कृति जो है वो मालवा रीजन में, जो मालवा रीजन जानते ही होंगे आप, उसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश इन सब का एरिया आता है, उसमें ये संस्कृति विकसित हुई थी, और इसका जो टाइम था वो था 1600 से 1300 BC। और नवदा टोली और एरन इसके इम्पोर्टेंट साइट थे। और एक जो ख़ास बात है मालवा की वो ये है कि मालवा से सबसे ज़्यादा वेराइटीज़ मिली हैं फूड ग्रेन्स की, मतलब अनाज की सबसे ज़्यादा वेराइटीज़ मिली हैं, तो मालवा संस्कृति इस मामले में फेमस है। जो जोड़वे कल्चर है, जोड़वे संस्कृति है, उसका टाइम है 1400 BC से 700 BC, और इसके जो इम्पोर्टेंट स्थल हैं वो हैं जोड़वे, इनाम गांव, दायमाबाद, तो ये इसकी इम्पोर्टेंट साइट्स हैं। अब जो रंगपुर है, रंगपुर और प्रभास ये दोनों गुजरात रीजन में पड़ते हैं, और इनका टाइम है 1800 से 1400 BC, तो ये 1800 से 1400 BC के टाइम में थी। और आगे देखते हैं सावलदा संस्कृति। सावलदा संस्कृति जो है 2000 BC से 1800 BC में पनपी थी, और ये महाराष्ट्र के नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट, मतलब ऊपरी जो उत्तरी पार्ट है उसमें डेवलप हुई थी। तो इस तरह से हमें देखने को मिलता है कि ये अलग अलग कुछ इनके टाइमिंग थे, अलग अलग विशेषताएं थी, जैसे मैंने बताया ही था कुछ हड़प्पा सभ्यता के साथ साथ चलेंगी, कुछ बाद तक चलती हैं, तो इस तरह से सबकी अपनी अपनी विशेषताएँ हैं। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक, सोशल और बाकी पॉलिटिकल लाइफ के बारे में। तो आर्थिक जीवन से शुरू करते हैं। इस टाइम का जो आर्थिक जीवन है जिस पे प्रकाश पड़ता है एक्सकेवेशन, खुदाई वर्ग के जरिए, कि एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर जो है सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी बन चुका था इस टाइम पे, और जो जौ, गेहूं, चावल और मटर इसमें उपजाए जाते थे, और जौ सबसे मेन फसल थी,
और आगे हम देखते हैं कि इकोनॉमिक लाइफ में हंटिंग और फूड गैदरिंग, जो शिकार और खाद्य संग्रहण की जो स्थिति थी, एक्टिविटीज थी, वो भी जारी थी जो पहले से चलती आ रही थी। लेकिन पशुपालन भी शुरू हो गया, और जो खुदाई से जो पशुओं की हड्डियाँ मिलती हैं उससे मालूम चलता है कि कुत्ते, भेड़, घोड़े ये सब पाले जाते थे। और जो ताम्रपाषाण काल के लोग थे वो हिरन, राइनोसॉरस इन सब से भी वाकिफ थे, क्योंकि इनकी भी हड्डियाँ मिली हैं खुदाई में। और मछली पालन भी, मतलब फिशिंग भी एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी था इकोनॉमिक लाइफ में। तो इस तरह से हम देखते हैं आगे मृदभांड निर्माण की कला भी उस टाइम तक जान चुके थे। मृदभांड भी एक इम्पॉर्टेंट कला थी, और दर्जन से भी ज़्यादा वैरायटी के मृदभांड पाए गए हैं डिफरेंट सेटलमेंट से। और इनके जो अध्ययन किया जाता है इनका, तो इससे मालूम चलता है लाइफ के बारे में, जीवन के विभिन्न डायमेंशन, आयाम के बारे में पता चलता है, लोगों कितना जानकारी थी इससे मालूम चलता है। हालांकि कुछ जो बर्तन थे वो हाथ से बने हुए थे, लेकिन कुछ जो हैं वो चाक भी बने हुए थे, मतलब इसका मतलब है चाक का उपयोग शुरू हो गया था। और जो बर्तन है, जो मृदभांड है, उन पर जो पेंटिंग हुई है उससे पता चलता है कि लोगों को उस टाइम तक कलर की भी जानकारी हो गई थी। और जो बर्तन है उन पर ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन भी बने हुए हैं, ज्यामितीय डिज़ाइन बने हुए हैं, जिससे मालूम चलता है कि लोगों को उस टाइम कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स की, गणित की जानकारी हो चुकी थी। तो ये हमें दिखाई देता है। और ताम्रपाषाण काल के लोग व्यापार और वाणिज्य भी प्रैक्टिस करते थे, मतलब उसका व्यापार वाणिज्य भी हो रहा था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आइटम मिले हैं खुदाई से जो कि वहाँ पर प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं थे। इसका मतलब कि वो कहीं और से आए हैं, जैसे कि चांदी, सोना, अगेट, लाजवर्ण पत्थर, मतलब जो ब्लू स्टोन होता है, तो ये सब हमें दिखाई देता है। तो उस कल्चर से, उस जगह से बिलोंग नहीं करते थे। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं व्यापार वाणिज्य तो होता था, लेकिन जो इकोनॉमी थी, जो अर्थव्यवस्था थी, उसका मोनिटाइजेशन नहीं हुआ था, मौद्रीकरण नहीं हुआ था, क्योंकि कॉइन्स नहीं पाए गए हैं, सिक्के की उपलब्धता नहीं है खुदाई से। और जो भी ट्रेड होता था वो बार्टर सिस्टम, मतलब लेने देने का तरीका, सामान वस्तु विनिमय प्रणाली थी। और सरप्लस भी मेरे ख्याल से एब्सेंट था, मेरे ख्याल से क्या, हिस्टोरियन के हिसाब से। तो क्योंकि जो भी हमें मिलती है संस्कृति, उसमें सब्सिस्टेंस वाली प्रवृत्ति दिखाई देती है, निर्वाह वाली, और इतना ही प्रोडक्शन होता था जितना कि लोगों की लोकल नीड को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो। और जब ऐसी स्थिति आई कि एग्रीकल्चर में, कृषि में सरप्लस की स्थिति हुई, तो वो जो भी शहर, जो भी जगह थी वो शहर में तब्दील हो गई। जैसे कि हम देखते हैं दायमाबाद और रंगपुर जो है वो अच्छा एग्जाम्पल शो करते हैं सेटलमेंट का। तो मोस्टली जगहों पर ऐसी प्रवृत्ति नहीं थी, सरप्लस की प्रवृत्ति नहीं थी। आगे हम देखेंगे सोशल लाइफ के बारे में, सामाजिक जीवन के बारे में। सामाजिक जीवन भी उस टाइम तक जाके काफ़ी कुछ इम्प्रूव हो गया था, काफ़ी कुछ विकास भी हुआ था। और जैसा कि हमें जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स दिखाई देते हैं, जो पुरातात्विक स्रोत, उससे मालूम चलता है कि समाज में एक तरह का स्ट्रेटिफिकेशन, स्तरीकरण विकसित हो गया था। क्योंकि जो भी घर मिले हैं चालकोलिथी के से, ताम्रपाषाण काल से, वो अलग अलग साइज़ के हैं, और जो आइटम्स पाए गए हैं अलग अलग घरों में और अलग अलग कब्रों में, जो ग्रेव्स हैं उनमें, वो भी अलग अलग वैल्यू की हैं। तो इससे मालूम चलता है कि समाज में एक ऊंचा वर्ग, एक नीचा वर्ग की मतलब विद्यमानता तो थी। और फिर आगे हम देखते हैं कि कुछ जो कब्रें हैं उनसे महंगे महंगे ऑर्नामेंट्स, गहने, पत्थर, मृदभांड ये सब मिले हैं, जिससे मालूम चलता है कि कुछ वर्ग जो हैं वो स्पेशल राइट्स या प्रिविलेज लेते थे। और ये भी पता चलता है कि जो महिलाओं की स्थिति थी वो अच्छी थी, सोसाइटी में हाई थी, क्योंकि ताम्रपाषाण काल में जो महिला देवियां हैं, जो महिला फीमेल गॉडेज हैं या फीमेल डाइटीज हैं, उनके बहुत सारे मिलते हैं फोटो या फिर इमेजेस। फोटो नहीं, मतलब वही है पत्थर वत्थर, या फिर उनका जो उत्कीर्ण करते हैं पत्थर पर, तो उससे मालूम चलता है कि फीमेल की स्थिति सही थी। आगे हम देखते हैं राजनीतिक जीवन के बारे में। राजनीतिक जीवन
जैसा कि मैंने पहले बताया कि स्ट्रेटिफिकेशन दिखता है सोसाइटी में, तो इसका मतलब है कोई ना कोई तो राजनीतिक पावर थी जो कि राइट का उपयोग कर रही थी। और जैसे कि बांध मिलते हैं, अनाज के भंडार मिलते हैं, अन्नागार मिलते हैं, तो इससे मालूम चल जाता है कि कोई ना कोई पब्लिक अथॉरिटी तो थी जो कि इन सब का उपयोग करती थी और कमांड करती थी नीचे वालों को। तो बिना किसी अथॉरिटी के इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन निर्माण और मेंटेनेंस उसका नहीं हो सकता था, पब्लिक स्ट्रक्चर का। तो जाहिर सी बात है शायद कि मतलब पॉलिटिकल अथॉरिटी कोई ना कोई थी, और जो बड़े बड़े घर मिले हैं उससे ये मालूम चलता है कि हाँ कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन होंगे जो बड़े बड़े घरों में रहते होंगे। आगे हम देखते हैं धार्मिक जीवन के बारे में। धार्मिक जीवन पर भी थोड़ा बहुत प्रकाश पड़ जाता है जो भी हमें साक्ष्य मिलते हैं उससे। तो मदर गॉडेस जो थी, जो मातृ देवी थी, वो एक सबसे इम्पोर्टेंट देवता थी, चीफ देवता थी। और जैसा कि फिगर मिले हैं जो भी मैं महिलाओं के, उससे मालूम चलता है कि उनकी पूजा होती थी। मेल गॉड भी थे, जो पुरुष देवता थे वो भी मौजूद थे, लेकिन उनकी मूर्तियाँ काफ़ी कम मिली है। लेकिन ऐसे 3 मूर्तियाँ मिली हैं इनाम गांव से, तो जो मेल गॉड थे उनकी भी मूर्तियाँ मिलती हैं, लेकिन फीमेल गॉड की ज़्यादा मिलती है। और जो इस काल में देखने को मिलती है विशेषता कि लोगों को आफ्टर लाइफ में बिलीव था, मतलब मरने के बाद जो व्यक्ति है उसमें बिलीव था, क्योंकि लोग कब्र में दफन करने के टाइम बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेली यूज़ की वस्तुएं रखते थे उनके साथ कब्र में। तो इससे ये शो होता है कि मतलब उन्हें विश्वास था कि उसके बाद भी उसे ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए वो चीज़ें वो रखते थे कब्र में। और जो लोग थे वो एविल स्पिरिट्स में बिलीव करते थे, जो भूत जिसे कहते हैं घोस्ट, उसमें बिलीव करते थे, क्योंकि जूना पानी महाराष्ट्र से ऐसे एविडेंस मिले हैं कि जो डेड बॉडीज होती थी उनके एंकल के नीचे के पैर को काट दिया जाता था ताकि वो भूत ना बने। तो ये पता चलता है कि अंधविश्वास था उस टाइम में। तो ये सब मालूम चलता है हमें जो भी पुरातात्विक स्रोत मिले हैं उस रिलीजियस लाइफ के बारे में। तो ये सब कुछ खास विशेषताएं जो नवपाषाण काल की थी और जो पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल से डिफरेंट थी, वो मैंने आपको बताया। अब आगे देखते हैं महापाषाण संस्कृति। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, महापाषाण संस्कृति जो है वो नॉर्थ इंडिया की विशेषता नहीं है, ये साउथ इंडिया की विशेषता है। ये कल्चर जो है मेगालिथिक कल्चर, ये डेवलप नहीं हुआ था साउथ इंडिया में। और मेगालिथिक का मतलब ही होता है बिग स्टोन, बड़े पत्थर। और जो इसका मेगालिथिक कल्चर नाम रखने का रीज़न ये है कि इसमें जो ग्रेव्स होते थे उनको बड़े बड़े पत्थरों से अगल बगल से ढक दिया जाता था, तो इसी कारण इस कल्चर का नाम ही पड़ गया मेगालिथिक कल्चर। तो जैसा कि मैंने बताया, ये प्रायद्वीपीय भारत में ये दिखती है हमें संस्कृति। इसका टाइम है 1100 BC से 500 BC। और जो इसके अर्लीस्ट मतलब साइट है वो हल्लूर से मिले हैं, जो महापाषाण संस्कृति के हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, बड़े बड़े पत्थर जो होते थे उनका यूज़ किया जाता था जो ग्रेव हैं उनको चारों तरफ से ढकने के लिए। और जो भी इससे रिलेटेड साइट्स हैं वो अलग अलग जगहों से पाई गई है साउथ इंडिया के, जैसे नागपुर, कर्नाटक, नागार्जुन कोंडा, केरल। तो ये नागपुर महाराष्ट्र में है ये साइट, कर्नाटक के मास्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर से मिले हैं साक्ष्य, जैसा कि मैंने ऊपर बताया हल्लूर से प्रारंभिक साक्ष्य मिलते हैं। नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश से मिले हैं साक्ष्य, और केरल के थ्रिसूर से, तमिलनाडु के आदि चेल्लानूर से मिले हैं साक्ष्य। तो इन सब जगहों से जो है साक्ष्य मिलते हैं महापाषाण संस्कृति के। अब एक और जो खास बात दिखाई देती है महापाषाण संस्कृति की, कि मेगालिथिक एज कल्चर जो है वो आयरन एज कल्चर है, मतलब कि महापाषाण संस्कृति के लोगों को लोहे की जानकारी थी, क्योंकि बहुत सारे लोहे के औजार पाए गए हैं जो भी मेगालिथिक साइट्स हैं उनसे। तो इससे मालूम चलता है कि उन्हें लोहे की जानकारी थी। और लोहे के औजार या लोहे की भी जो जानकारी के साक्ष्य मिलते हैं वो हल्लूर से ही प्रारंभिक साक्ष्य मिलते हैं, तो इससे मालूम चलता है कि उन्हें लोहे की जानकारी थी। लेकिन उसके अलावा भी जो मेगालिथिक लोग थे उन्हें कॉपर और ब्रॉन्ज मतलब तांबा और कांसे की भी जानकारी थी उन्हें, और उसका उपयोग वो छोटे स्केल पर ही करते थे। इसके अलावा वो ब्लैक रेड वेयर पॉटरी भी यूज़ करते थे। ब्लैक रेड वेयर पॉटरी यूज़ होती थी हड़प्पा संस्कृति में, तो ये भी हमें देखने को मिलती है सिमिलैरिटी। इसका मतलब है कि कल्चर का आदान प्रदान होता होगा
और कहीं ना कहीं से कल्चर का मतलब मिलन भी होता होगा, मिश्रण भी होता होगा। इसके अलावा जो एक चीज़ दिखाई देती है महापाषाण संस्कृति से, जो डेब्रिस मिलते हैं, जो भी अवशेष मिलते हैं मेगालिथिक साइट से, इससे मालूम चलता है कि लोग एक ही जगह पर बहुत टाइम तक नहीं रहते थे। मतलब जगह बदलते रहते थे, 50-100 सालों के बाद वो शिफ्ट होते रहते थे और पीछे सारे अपना डेब्रिस छोड़ के जाते थे। अब आगे हम जो देखते हैं महापाषाण संस्कृति में विशेषता, वो ये है कि ये लोग कृषि भी करते थे और पशुओं को पालतू भी बनाते थे, लेकिन इसके साथ साथ ये शिकार भी करते थे और खाद्य संग्रहण की क्रियाएं भी करते थे। फिर उसके बाद जो ये लोग कल्टीवेट करते थे, उसमें हम गेहूं, जौ, दाल देखते हैं। पशुपालन में भेड़ और बकरियां ये पशुपालन करते थे, तो ये सब हमें विशेषताएं दिखती हैं। और ये संस्कृति जो है वो 500 BC के आसपास आके ख़त्म दिखती है, लेकिन कुछ जो सेटलमेंट है, कुछ जो बस्तियां हैं, वो ट्रांजिशन फेज शो करती हैं। मतलब इनसे जो भी स्थल हैं उसमें फिर संगम एज के, संगम काल के साइट डेवलप होते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो संगम एज के साइट्स हैं, मतलब जो मेगालिथिक साइट हैं, उनसे रोमन कॉइन्स मिलते हैं, रोम के सिक्के मिलते हैं। तो इससे मालूम चलता है कि फिर इन सब जो सेटलमेंट्स थे, इनका फिर ट्रांजिशन हो गया संगम एज में। तो इससे ये मालूम चलता है कि कुछ सारी संस्कृति ख़त्म नहीं हुई थी, कुछ जो है वो कंटिन्यू रही थी और आगे डेवलप हो गई थी। तो ये हम देखते हैं महापाषाण संस्कृति को। तो ये हमारा आज का लेक्चर था महापाषाण संस्कृति और नवपाषाण काल पे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।